नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर चल रहा घमासान अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पर बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, पुलिस तथा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवसेना के नए गुट नेता चुने गए अजय चौधरी को पूर्व मुख्य प्रतोद सुनील प्रभु के नाम पर भी नोटिस जारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी से 5 दिन में जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को 3 दिन में शपथ पत्र के साथ अपना जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिप्टी स्पीकर के फैसले को लेकर जारी की गई नोटिस को शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और शिंदे गुट का सत्ता स्थापित करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। शिंदे गुट द्वारा महाविकास आघाड़ी से समर्थन हटाने का पत्र राज्य के राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसमें शिंदे गुट की ओर से उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा की जा सकती है। इसी बीच पता चला है कि अब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से किसी भी वक्त निकलकर मुंबई आ सकते हैं और गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। यह जानकारी सामने आते ही मुंबई में राजनीतिक हलचलें काफी तेजी से बढ़ गई हैं और तमाम हालात के बीच भाजपा की कोर कमेटी की बैठक मुंबई में शुरू हो चुकी है, जिसमें राजनीतिक हालात पर मंथन चल रहा है। इसी दौरान पता चला है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे से बात की है और अब यह सवाल देखा जा रहा है कि स्वतंत्र गुट के तौर पर मान्यता नहीं मिलने की सूरत में क्या बागी विधायक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। इस नए समीकरण को लेकर राजनीतिक कयास काफी तेज हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सेना के बागी गुट नेता एकनाथ शिंदे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि शिवसेना के 39 विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन निकाल लिया है और यह सरकार अब अल्पमत में चली गई है। शिंदे गुट द्वारा अपने पास 2/3 सेना विधायकों के समर्थन रहने का दावा किया गया। इन तमाम उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे गुट की ओर से यह सवाल उठाया गया कि बागी गुट सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा पहुंचा है और बागी गुट द्वारा सबसे पहले हाईकोर्ट में जाकर अपील क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आक्षेप को कुछ गंभीरता से लिए जाने की जानकारी है। इन तमाम उठापटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए हैं और शहरी विकास मंत्रालय अब शिंदे की जगह राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई को सौंपा गया है। सत्ता को लेकर लगातार जारी घमासान के बीच अब तक बेहद उग्र तेवर अपनाए हुए दिखाई दे रहे शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के तेवर अब कुछ नर्म होते दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने बागी नेताओं से वापस लौटने हेतु भावनात्मक अपील करते हुए शिवसेना के बागी गुट नेता एकनाथ शिंदे को अभी भी अपना करीबी व्यक्ति बताया और उन्होंने कहा कि आसाम की तरह महाराष्ट्र में भी ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और शानदार होटल है, अतः बागी गुट के सभी विधायकों ने आसाम से वापस लौटकर महाराष्ट्र आ जाना चाहिए। राज्य में सत्ता को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच अब यह लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आ चुकी है और किसी भी वक्त महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो सकता है, जिसका नेतृत्व भाजपा सहित बागी गुट नेता एकनाथ शिंदे द्वारा किया जा सकता है। इस कयास के तेज होते ही भाजपा का समर्थन कर रही युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आज राजकमल चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई और सरकार गिरने की आशंकाओं को लेकर अपनी खुशियां जताई गई। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कड़ू तथा उनकी ही पार्टी से मेलघाट के निर्दलीय विधायक रहने वाले राजकुमार पटेल इस समय शिवसेना के बागी गुट का साथ दे रहे हैं और गुवाहाटी में मौजूद हैं। ऐसे में राज्य मंत्री बच्चू कड़ू व विधायक राजकुमार पटेल को लेकर स्थानीय स्तर पर शिवसैनिकों में अच्छा खासा असंतोष व गुस्सा व्याप्त है। इस बात के मद्देनजर पुलिस द्वारा इन दोनों के घरों और संपर्क कार्यालयों पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है और वहां पर पुलिस कर्मियों का खड़ा पहरा तैनात किया गया है। शनिवार की रात से इन दोनों नेताओं के घरों और कार्यालयों को पुलिस बंदोबस्त के तहत निगरानी में लिया गया। साथ ही राज्य में चल रहे सत्ता संघर्ष के मद्देनजर स्थानीय स्थितियों पर पुलिस के खुफिया महकमे द्वारा कड़ी नजर भी रखी जा रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सैन्य भर्ती हेतु अग्निपथ नामक नई योजना घोषित की गई, जिसका समूचे देश में युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के ने आज कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मिलकर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए तीव्र आंदोलन किया और कहा कि सेना का निजीकरण करने वाली इस योजना को जनभावनाओं के मद्देनजर तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस समय विदर्भ में चहुं और मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, लेकिन पहली मानसूनी बारिश के बाद आसमान से बादल गायब हो गए हैं और हर कोई झमाझम बारिश होने की प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताते हुए विदर्भ क्षेत्र विशेषकर अमरावती संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के सक्रिय होने और शुरुआती दौर की बारिश होने के चलते सभी किसानों द्वारा अपने खेतों में बुआई का काम शुरू कर दिया गया है। इस हेतु सभी किसानों द्वारा खेतों में बुआई हेतु लगने वाले कृषि औजारों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बाजार में जगह जगह पर कृषि साहित्यों व औजारों की दुकानें भी लग गई है, जहाँ पर खरीदारी के लिए किसानों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है।
राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल बोंडे ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बीएल संतोष ने सांसद बोंडे को उनकी जीत के लिए बधाई देने के साथ ही राज्यसभा के कार्यकाल हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू से जिले की सांसद नवनीत राणा ने भेंट करते हुए उन्हें हार्दिक बधाइयां व आत्मीय शुभकामनाएं दी। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अपने संसदीय क्षेत्र में शामिल मेलघाट के आदिवासी समाज के बारे में जानकारी देते हुए उनसे आग्रह किया कि वे देश की राष्ट्रपति बनने के बाद मेलघाट के दौरे पर जरूर आएं। गत रोज हरियाणा के गुरुग्राम में अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें कौंडण्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम रामेश्वराचार्य महाराज उर्फ माउली सरकार ने भी देश के विभिन्न हिस्सों से आए संतगणों के साथ हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माउली सरकार सहित सभी संतगणों के पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए। युवा सेना के जिला प्रमुख श्याम धने पाटिल ने अपने पदाधिकारियों सहित मुंबई पहुंचकर युवा सेना के प्रमुख व राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से भेंट की। साथ ही खुद को शिवसेना व युवा सेना का सच्चा शिवसैनिक बताते हुए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा भी जताया। विगत दो वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते सभी स्कूल व कॉलेज बंद रखे गए थे और शैक्षणिक संस्थाओं का परिसर वीरान सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि अब कोविड संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है और प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ऐसे में दो वर्ष के लंबे अंतराल पश्चात इस बार 29 जून को जारी शैक्षणिक सत्र के तहत सभी स्कूलों में शालेय घंटियां गुंजायमान होंगी और बच्चों की चहक लंबे समय बाद शहर की सड़कों सहित शालेय परिसरों में सुनाई देगी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में दो लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही पॉजिटिव जिले के ग्रामीण इलाकों से वास्ता रखते हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 14 व ग्रामीण क्षेत्र के 10 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोविड अस्पताल में कोई एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं है। खरीफ सीजन की फसल बुआई के समय वन विभाग द्वारा बाधा निर्माण कर किसी तरह से परेशान न किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर 7-12 किसान संगठन ने आज धड़क बेधड़क मोर्चा निकालकर जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रहार जनशक्ति पार्टी तथा बोरगांव धर्मालय गांव वासियों ने आज शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह से मुलाकात करते हुए बोरगांव धर्मालय गांव में अवैध शराब बिक्री को पूरी तरह से बंद कराने की मांग की और कहा कि बोरगांव धर्मालय गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री को गंभीरता से लिया जाए। टाइगर फोर्स ऑफ इंडिया ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि महिला को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पति व उसकी सास को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले फ्रेजरपुरा के थानेदार पर भी कार्रवाई की जाए। अमरावती शहरामध्ये असेल तर आम्ही काय करतो म्हणून तुमच्या लक्षात आणून देण्याचं काम आम्ही करतो आहे। आम्हाला पोलीस प्रशासनाकडून न्याय मिळालेला नाही आणि आपण मीडिया आणि पत्रकार बंधू। राज्य परिवहन निगम के प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्याशियों ने एसटी महामंडल के विभागीय नियंत्रक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ठेका भर्ती प्रक्रिया रोककर सीधी सेवा भर्ती वर्ष 2019 के तहत अमरावती विभाग में अंतिम चयन किए गए सेवा पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 162 प्रत्याशियों की तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की जाए। जिला सामान्य अस्पताल की ओपीडी में बेड संख्या कम रहने के कारण कल अचानक मरीजों की संख्या बढ़ जाने से एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाकर इलाज करने का दृश्य दिखाई दिया, जिसे लेकर मरीजों के रिश्तेदारों ने अपना संताप व्यक्त करते हुए ओपीडी में बेड की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महबूब नगर परिसर स्थित पानी की टाकी के पास बीती रात 1 बजे के आसपास अब्दुल माजिद अब्दुल अजीज नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की 3 लोगों द्वारा चाकू से सपासप वार करते हुए निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। नामजद किए गए 3 आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शहर पुलिस की अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक आरोपी गुलिस्ता नगर में अलवदर हॉल के पास देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और अब्दुल सुहेल नामक व्यक्ति की तलाशी लेते हुए उसके पास एक पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए गाड़गेनगर पुलिस के हवाले किया है। रेल टिकट यात्रियों की टिकट जांच करते हुए रुपए वसूल करने वाले नकली टिकट चेकर को बडनेरा रेलवे पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। उसके पास से चालान बुक और नगद रुपए समेत 12,000 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए नकली टीसी का नाम राज मालवीय बताया गया है। गत रोज जहां नांगोपेट पुलिस थाना क्षेत्र के वाल्की जलाशय में मौज मस्ती करने के लिए गए 2 युवकों की डूब जाने की वजह से मौत हुई थी, वहीं परतवाड़ा से धारणी मार्ग पर स्थित सापन जलाशय में परतवाड़ा में रहने वाली गायत्री पडोले व हेमलता घाटे नामक 2 युवतियों की मौत हुई। इन दोनों युवतियों की लाश रविवार की सुबह बरामद कर ली गई।
दरियापुर तहसील अंतर्गत अंजनगांव मार्ग पर चंद्रभागा नदी के पुल के पास पुलिया से एक ट्रैक्टर नीचे गिर जाने के कारण नीलेश बंसोड़ नामक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई और वहीं अजय बहुराशी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धारणी तहसील के बैरागढ़ निवासी आसिफ खान रजाक खान नामक गांजा विक्रेता के घर पर छापा मारकर धारणी पुलिस ने 2 किलो 665 ग्राम गांजा बरामद किया, साथ ही इस आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वरुड़ तहसील के सिंगोरी के अपर वर्धा परिसर की खाली जमीन में खेत मजदूर को मानवीय खोपड़ी, आधार कार्ड व कपड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। आधार कार्ड से यह व्यक्ति इत्तम गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध की होनी चाहिए ऐसा अनुमान लगाया गया। बिनड़ा पुलिस ने इस खोपड़ी को डीएनए जांच के लिए रवाना किया है। कई संगीन अपराधों में शामिल होने के कारण पुलिस विभाग द्वारा आरोपियों को तड़ीपार किया जाता है। इसके बाद भी ऐसे आरोपी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शहर में प्रवेश कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही 2 मामलों में नागपुर गेट पुलिस ने लालखड़ी वाटर सप्लाई के पास तड़ीपार आरोपी रहने वाले मोहम्मद बेग और राजापेट पुलिस ने नवासी चौक पर अक्षय दुबे नामक तड़ीपार आरोपी को गिरफ्तार किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के रोशन नगर गली नंबर 1 में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उनके यहाँ मेहमान के तौर पर आई युवती को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा लिया है। इस शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। पुरुषोत्तम नगर निवासी संजय ढोले साईनगर चौक स्थित नाश्ते की गाड़ी पर नाश्ता लाने गए थे। इस समय उन्होंने 38,000 रुपये कीमत का अपना मोबाइल नाश्ते की गाड़ी पर रखा, लेकिन किसी ने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनका 1+ मोबाइल चुरा लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वरुड़ शहर के रेस्ट हाउस परिसर में एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूट लेने की घटना उजागर हुई है। वरुड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।